कर्मचारियों को बोनस देने के लिए इस कंपनी ने बनाया नोटों का पहाड़। नई दिल्ली, 24 जनवरी। हाल ही में चीन की दो कंपनियां अपनी सिंगल महिला कर्मचारियों को डेटिंग लीव देकर चर्चा में थीं। अब वहां की एक कंपनी ने बड़ा ही अनोखा तरीके से अपने कर्मचारियों में बोनस बांटा है। सबसे पहले इस कंपनी ने नोटों का एक पहाड़ बनाया, जिसके निर्माण में करीब 314 करोड़ रुपए के नोट इस्तेमाल हुए। इसके बाद कंपनी ने जो किया वो हर कर्मचारी की दिली ख्वाहिश होती है। दरअसल इस कंपनी ने पहाड़ की पूरी रकम को कर्मचारियों में बोनस के तौर पर बांट दिया। पता है एक कर्मचारी के हिस्से में कितना बोनस आया? चीन के जियांगशी प्रांत में स्थित एक स्टील कंपनी ने यह अनोखा कारनामा किया है। कंपनी ने 300 मिलियन युआन चीनी मुद्रा का कैश माउंटेन बनाया, जो भारतीय मुद्रा में 3,14,98,63,834.50 करीब 315 करोड़ रुपए के बराबर है। इस पहाड़ को देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सोशल मीडिया पर नोटों के इस पहाड़ की खूब चर्चा है। पहाड़ के निर्माण में इस्तेमाल हुई पूरी रकम को कंपनी ने अपने 5,000 कर्मचारियों में बोनस के तौर पर बांट दिया। इस हिसाब से हर कर्मचारी को औसतन करीब 68,000 रुपए बतौर बोनस मिले। रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल मिले बोनस की राशि से यह रकम दोगुनी है। वहीं इस कंपनी में हर एक लकी एम्प्लॉय को साल में 60,000 युआन करीब 62 लाख रुपए बोनस दिया जाता है। बता दें यह बोनस चाइनीज न्यू ईयर के दौरान दिया जाता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी चीनी कंपनी ने अनोखे तरीके से बोनस दिया हो। पिछले साल कंपनी ने कैश गेम शो रखा था, जिसमें कर्मचारी जितना चाहे कैश जीत सकते थे।